सब्सक्राइब कीजिए एनएच खान एक्सपेरिमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, ये जो साइकिल आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक, ये साइकिल को हमने किस तरह बनाया उस पर एक वीडियो बना के अपलोड किए थे और उसमें ये दिखाया गया था कि किस तरह से इस साइकिल को हमने बनाया, लेकिन उसको बनाने के बाद इसमें कुछ मॉडिफाई किए ताकि हमको इसका माइलेज जो है वो थोड़ा ज़्यादा चाहिए था। इसके वजह से इसमें बैटरी चेंज किए और भी बहुत सारा चीज़ इसमें चेंज किए। तो वो सब क्या क्या चेंज किए इसमें और इसका माइलेज कितना देता है, कितना स्पीड में चलता है, सब कुछ इस वीडियो में आपको दिख जाएगा। तो वीडियो में बने रहिए और ये फुल सेटिंग के बाद किस तरह का दिखता है वो भी आपको इस वीडियो में पूरा दिख जाएगा। तो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि इसमें कौन सा बैटरी लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ये वाला बैटरी लगा हुआ है। पहले आपको जो वीडियो में दिखाया था उस वीडियो में जो बैटरी लगा हुआ था वो लिथियम 10 एम्पियर का बैटरी लगा हुआ था, लेकिन उसमें माइलेज बहुत कम था, 25 से 30 किलोमीटर माइलेज था। तो हमको तकरीबन 80 से 100 किलोमीटर वाला माइलेज चाहिए था। इसके वजह से हमने देखिए ये वाला बैटरी लेकर आया है मार्केट से। तो ये 36 वोल्ट का है बोल के यहाँ पे हम तीन बैटरी लेके आए इसमें, और ये एक एक बैटरी 12 वोल्ट का है, 12 वोल्ट और 28 एम्पियर का। तो देखिए वहाँ पे हमारा साइकिल खड़ा है और उसमें कुछ हमने जो पहले ही बोला कि कुछ मॉडिफाई किया हमने, जब इससे पहले लिथियम बैटरी लगाए थे उस टाइम उसका ढक्कन जो ऊपर का है वो कटा हुआ नहीं था, लेकिन ये बैटरी का साइज़ थोड़ा बड़ा है इसके वजह से हमने ऊपर का ढक्कन को भी काट दिया। और यहाँ पे देखिए आप 28 एम्पियर का 12 वोल्ट का बैटरी है। ये बैटरी मैं चला के देखा, तकरीबन ये 100 किलोमीटर तक सर्विस दे रहा है, ठीक है। इस साइकिल में ये तकरीबन 100 से भी ज़्यादा सर्विस मिल रहा है हमको। हमको कभी कभी बहुत दूर जाना पड़ता है, तकरीबन 80 से 100 किलोमीटर का रास्ता है। तो इसलिए हमने सोचा था कि एक ऐसा गाड़ी बनाना है जो तकरीबन 100 किलोमीटर माइलेज दे। तो इस बैटरी को लगाने के बाद हमको उस तरह का माइलेज भी मिला। तो इसको सेटिंग करके भी दिखा रहा हूँ मैं, वॉइस बाद में भरा इसके वजह से आप लोगों को सब बता पा रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए बैटरी का कनेक्शन के लिए दो क्लिप भी दिया हुआ है। इसको मैं पहले आप जब देखे थे इस साइकिल को उस टाइम यहाँ पे कटा हुआ नहीं था और यहाँ पे चार्जिंग सिस्टम भी नहीं था, लेकिन अभी देखिए यहाँ पे कटा हुआ है क्योंकि यहाँ पे हम बैटरी को डालने वाले हैं। यही पे बैटरी के लिए जगह बना के हम लोग इसी में जगह बैटरी को बिठाने वाले हैं, तो इसके वजह से हम वहाँ पे थोड़ा काट लिया। और इसका कलर भी हमने थोड़ा चेंज कर दिए थे क्योंकि पहले जो कलर था वो ब्लैक कलर था, अभी देखिए इसका कलर थोड़ा चेंज कर दिए। और जो पीछे आप देख रहे हो थोड़ा झोड़ी टाइप का बनाया, उसको हमने सिर्फ सामान ले जाने के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है डिवाइस वगैरह कूलर ये सब ऑनलाइन जहाँ से भी ऑर्डर आता है हमको भेजना पड़ता है। ये सब तकरीबन 20 से 30 किलोमीटर का रास्ता है जहाँ पे हम सामान लेके जाके देते हैं कुरियर में। तो इस चक्कर में हमने उसको बना लिया ताकि हमको झोला वगैरह ना रखना पड़े, ठीक है। इसी में डायरेक्ट हम सामान को लेके चला जाता है, कोई दिक्कत ना आए इसके वजह से हमने इसको बना लिए। और यहाँ पे देखिए हमने सीट को अभी तक नहीं बनाया, तो सीट को भी बनाने वाले हैं इसका, और ये मार्केट भी लगाने वाले हैं ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें बैटरी लगा लिए हम, और यहाँ पे देखिए मार्केट भी दोनों साइड का लगा लिए और इसमें सीट को भी लगा लिए। अब इसमें और एक काम करेंगे, थोड़ा देखने में अच्छा लगे इसके वजह से हमारा जो यूट्यूब का लोगो है उसको यहाँ पर लगाना है। तो देखिए उस पर भी मैं स्टिकर बना के लेके आया एनएच खान एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा चैनल का नाम है एनएच खान एक्सपेरिमेंट। तो उसको हम यहाँ पे लगाएंगे और एक लगाएंगे उस साइड पे, और यहाँ पे यूट्यूब का लोगो भी हम लगा देंगे ताकि किसी को भी देख के पता चले कि हमारा खुद का चैनल भी है। तो चलिए यहाँ पे हम लोगों को लगा लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये स्टिकर है नाम का, तो इसको हम सबसे पहले लगा लेते हैं यहाँ पे, फिर लोगों को लगाएंगे। ये मैं अपने चैनल के नाम पे ही बना लिया था, और भी बहुत तरह का स्टिकर मिलता है, लेकिन मैं इसी स्टिकर को सिर्फ, मैं ज़्यादा स्टिकर नहीं लगाता हूँ, सिर्फ मैं चैनल के नाम के लिए ही यहाँ पे ये वाला स्टिकर लगा रहा हूँ।
तो चलिए ये एक तरफ हो गया, अब उस तरफ भी हमको लगाना है। इधर थोड़ा YouTube का जो स्टिकर है उसको लगा देता हूँ। तो देखिए इस तरह का दिख रहा है, YouTube का लोगो पहले दिया हुआ है, उसके बाद एन एच खान एक्सपेरिमेंट मेरा चैनल का नाम, और यहाँ पे एक स्टिकर लगा देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। और उस साइड पे भी सेम टू सेम इसी तरह का स्टिकर लगाएंगे। और ये साइकिल तकरीबन 100 से भी ज़्यादा सर्विस देता है, जैसे कि माइलेज 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा माइलेज देता है ये साइकिल। और इसका टॉप स्पीड है 38 से 39 किलोमीटर पर हावर, जो कि हमने एक बाइक के साथ जब रेस लगाए थे उस टाइम देख लिए थे। और इसका कंट्रोलर को इस तरह से बॉडी के साथ अटैच करके लगाया गया ताकि वो हीट ना हो, ठीक है। बॉडी का सामने देखिए ये जो हमने बॉक्स बना लिए उसके साथ ही कंट्रोलर को अटैच कर दिए ताकि बॉडी हमेशा जो हमारा हवा है वो जाके बॉडी में लगे और बॉडी ठंडा रहे और कंट्रोलर भी इसका ठंडा रहे। मैं लगातार इसमें 50 से 60 किलोमीटर तक चलाया लेकिन कंट्रोलर वगैरह हीट होने का भी चांस नहीं है। और बहुत सारे भाई लोग का दिक्कत आता है कि थोड़ा सा हीट होता है तो कंट्रोलर स्टॉप हो जाता है, इस तरह का भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आता है इस गाड़ी में। तो आप चाहे तो इस तरह का एक बना सकते हो और खुद पर्सनली यूज़ कर सकते हो। तो आप देख सकते हो किस तरह का लग रहा है ये, और इसको और भी थोड़ा मॉडिफाई करेंगे उस टाइम, और एक वीडियो आप लोगों को बना के देंगे। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि किस तरह का बना है ये साइकिल, इस साइकिल में आपको कौन सा चीज़ अच्छा लगा वो आप लोग बता सकते हो। तो मेरे चैनल को बताएगा सब्सक्राइब नहीं कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटे का बटन उसको दबा कॉल नोटिफिकेशन को ओके कर दीजिए। और वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर आप ई रिक्शा रिपेयरिंग का काम करते हो तो मेरे पास तकरीबन ई रिक्शा का जितने भी टूल्स है सब कुछ मिल जाता है, जैसे कि ई रिक्शा कंट्रोलर, टेस्टर डिवाइस, ड्रम पुलर, एक्सेल पुलर, बेयरिंग पुलर, मैग्नेट पुलर, और भी बहुत सारा टूल्स जो कि ई रिक्शा रिपेयरिंग काम आता है। तो वो सब अगर आपको चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट करके ले सकते हो, ऑल ओवर इंडिया में हर जगह मैं इसको भेज सकता हूँ। इसके लिए वीडियो के ऊपर दिए गए नंबर पर मेरा व्हाट्सअप चलता है, उस पर आप कॉन्टेक्ट करके ये सब सामान ले सकते हो। थैंक्स फॉर वॉच।